नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज आईटीआई फर्स्ट ईयर का जो पेपर हुआ है, हम उसका एनालिसिस करेंगे तीनों पारियों का, क्योंकि इस पेपर में लगभग 40 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन बार बार यही एग्जाम में वापस से पूछे जा रहे हैं। तो अगर जिस बच्चे ने आज आईटीआई सीबीटी एग्जाम की एग्जाम दिए, वो अपने क्वेश्चनों का जरूर मिलाने कि उसके कितने क्वेश्चन रॉन्ग है, कितने क्वेश्चन राइट है। साथ ही अगर आप आगामी सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, तो आप बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ दोस्तों, अगर आपको इन पेपरों की पीडीएफ फाइल चाहिए, तो अभी डिस्कशन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी प्रकार के पेपर अवेलेबल है। साथ ही दोस्तों, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर काफ़ी हज़ारों बच्चे हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं कि आज कौन सा पेपर आया, कौन सा किस प्रकार आया, क्योंकि वहाँ पर हर रोज हर बच्चा क्वेश्चन लेके आता है, जिससे उसको एग्जाम में आगामी बच्चों का भी हेल्प होती है। तो आप वहाँ से अनेक मटेरियल प्राप्त कर सकते हो एग्जाम से रिगार्डिंग और इस सीबीटी एग्जाम के पेपर भी। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करते। अगर आज आपने एग्जाम दिए, तो आप जरूर मिलान करना, आगे भी आपके एग्जाम तो आप भी मिलान करना। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज, अग्नि का संबंध क्या है? दोस्तों, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। दूसरा क्वेश्चन है, बीआईएस का पूर्ण रूप क्या है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में, बी राइट आंसर। तीसरा है, इस औजार का क्या उपयोग है? दोस्तों, इसका उपयोग है लकड़ी की कीलें निकालना। क्वेश्चन नंबर अगला है, सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, वो होता है आपका वर्गाकार स्टेक। अगला क्वेश्चन है, जस्ती सीट पाइप जोड़ में अक्ष के रूप में चिन्हित थ्रेड का क्या नाम है? दोस्तों, इसका नाम आपका समांतर फीमेल थ्रेड। अगला क्वेश्चन है, मोटाई छेनी का क्या उपयोग है? दोस्तों, इसका उपयोग है लकड़ी में आयताकार छेद करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? तो ये दोस्तों है आपकी सोल्डरिंग गन। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, SWG के तार का आकार मापने की प्रेस क्या होती है? तो दोस्तों, होती है 0 से 36 SWG। जरूर अपने क्वेश्चनों का मिलान करो, कितने क्वेश्चन रॉन्ग है, कितने राइट है। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है? तो दोस्तों, वो फेज चालक से आधा होता है। अगला क्वेश्चन है, 16 एम्पीयर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि एक अधिक धारा सुरक्षा संरक्षित है? दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा 13 एम्पीयर। अगला क्वेश्चन, तांबे के परमाणु के तीसरे अक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों, होते हैं 18 परमाणु के कितने होते हैं 18। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन कौन सी है? तो दोस्तों, होती है धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? दोस्तों, वो करता है आपका ताप गुणांक। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, श्रेणी प्रपत्र का क्या उपयोग है? दोस्तों, वो होता है वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सहधारिता की इकाई क्या होती है? दोस्तों, वो होती है फेरेड। अगला क्वेश्चन है, बीएच वक्र में अक्ष द्वारा अंकित भाग का नाम क्या है? दोस्तों, इसका नाम आएगा आपका कोएसिविटी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? दोस्तों, वो होता है ससेप्टेंस। अगला क्वेश्चन पूछा गया, स्थिर एगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का गुण होता है? दोस्तों, वो होता है आपका फेसर परिमाण। अगला क्वेश्चन है, एकल फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है? दोस्तों, एक फेज में 90 डिग्री होता है, अगर आपको 3 फेज में मुझे 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? दोस्तों, वो होता है 2.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? दोस्तों, वो एम्पियर घंटे में बताई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवश्यक किया जाता है? दोस्तों, वो होती है आपकी ट्रिकल चार्जिंग। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सुरक्षा ठंडी मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या होता है? दोस्तों, वो होता है 25 mm। अगला क्वेश्चन है, ECC का विस्तार रूप क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, यानी बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सामग्री का नाम क्या है? दोस्तों, इसका नाम है एडीसी स्क्रू प्रकार का होल्डर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? दोस्तों, वो होते हैं आपके 2 टू वे स्विच। अगला क्वेश्चन है, BIS के अनुसार एकचरण गैर उतारों में इस्तेमाल होने वाले एल्यून पृथ्वी नियंत्रता कंडक्टर न्यूनतम आकार क्या है? दोस्तों, वो होता है 1.5 वर्ग मिमी। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों, विभवपात के सिद्धांत पर कार्य करता है, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, IE नियम के अनुसार पावर उपरिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार कितना है? 3000 वाट आएगा दोस्तों, अगर लाइट के लिए पूछे तो 800 वाट। अगला क्वेश्चन है, प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमत्कार प्रभाव को क्या कहते हैं? दोस्तों, उसे कहते हैं हम चमकदार तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? दोस्तों, वो होता है 23 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का वाटमीटर है? दोस्तों, वो होता है आपका 2 अवयव 3 कला वाटमीटर। अगला क्वेश्चन है, यंत्र का नाम क्या है? दोस्तों, इसका नाम है एब्सोल्यूट उपकरण। अगला क्वेश्चन है, यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है? दोस्तों, वो होती है आपकी ओम प्रति वोल्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कौन सा बल एक संकेत उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा विचलन बल। अगला क्वेश्चन, सर्किट का नाम क्या है?
दोस्तों इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक। अगला क्वेश्चन है माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है, दोस्तों वो आएगा 3.2 वोल्ट एसी। अगला क्वेश्चन है माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है पावर ट्रांसफॉर्मर में भाग का नाम क्या है, दोस्तों होती है बकलोज रिले। अगला क्वेश्चन दोस्तों पावर ट्रांसफॉर्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, दोस्तों इसमें हम कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरेंट का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों अभी थ्योरी के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, वर्कशॉप साइंस और इंप्लोटिस का अगली क्लास में गए, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।